दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को कोई बिल भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही 201 यूनिट से 400 यूनिट तक बिजली खपत पर उपभोक्ताओं को 50% की छूट देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को कल तक 622 रुपए देने पड़ते थे, अब इसके लिए उपभोक्ताओं को कोई भुगतान नहीं करना होगा। 928 रुपए 2013 में देने पड़ते थे 200 यूनिट के लिए, कल तक लोगों को 622 रुपए देने पड़ते थे 200 यूनिट के, आज से वो फ्री है। 250 यूनिट के 2013 में हमारी सरकार बनने के पहले 1250 रुपए देने पड़ते थे, कल तक 800 रुपए देने पड़ते थे, आज से 252 रुपए देने पड़ेंगे। 250 यूनिट के आज से 252 रुपए, 252 रुपीज। दिल्ली के अंदर हम 200 यूनिट तक, जो लोग दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक खपत करते हैं उनको अपने बिजली के बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके बिजली के बिल माफ। लेकिन अगर आप 201 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपको पूरा देना पड़ेगा। 201 से 400 यूनिट तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो लगभग आपको उसमें 50% की सब्सिडी मिलेगी, लेकिन 200 यूनिट का फायदा नहीं मिलेगा। तो 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके बिजली की आपको बिल देने की जरूरत नहीं है आपका बिजली। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बिजली कंपनियों का घाटा 17% से घटकर 8% पर आ गया है, यही वजह है कि अब इसका फायदा उपभोक्ताओं को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद की पीठ थपथपाते हुए कहा कि ये इसलिए भी संभव हो पाया है क्योंकि दिल्ली के लोगों ने एक ईमानदार सरकार को चुना है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि पिछले 4.5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफी सुधार आया है, इससे बिजली कंपनियों का नुकसान कम हुआ है। पूरी दिल्ली के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, पूरी दिल्ली के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर केबल्स बदली गई हैं, और ये घोषणा संभव हुई क्योंकि दिल्ली के लोगों ने एक ईमानदार पार्टी को, ईमानदार राजनीति को वोट दिया था। पूरी दिल्ली के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, पूरी दिल्ली के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर केबल्स बदली गई हैं। उधर मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस ऐलान को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने चुनावी लॉलीपॉप करार दिया है। कहते हैं ना कि जैसे ही चुनाव आता है अरविंद केजरीवाल की सारी फ्री की चीजें शुरू हो जाती हैं, बट उसने फ्री का क्या किया है? 70 वादे थे फ्री के, 70 में एक भी वादे पूरे नहीं हुए, और पूरे तो छोड़ दीजिए शुरू भी नहीं हुए। तो अब ये चुनाव दोबारा आया है, लेकिन ये कुछ अलग है। इसमें इन्होंने जो फिर से एक राग अलापने की कोशिश की है, एक तो इसमें हमारे संघर्षों की ज़्यादा जीत है जिसमें उन्होंने फिक्स चार्ज को कम किया है। लेकिन सवाल उठता है कि जो 7000 करोड़ रुपया आपने फिक्स चार्ज के नाम पे लिया है वो कब वापस करोगे? दिल्ली की जनता तो वो मांगना चाहती है ना। मुख्यमंत्री के इस ऐलान से दिल्ली सरकार के सब्सिडी खाते में 1800 करोड़ का बोझ आएगा, इससे निपटना केजरीवाल सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। मुख्यमंत्री के इस ऐलान को 2020 में होने वाले चुनाव से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।